पीपल का पेड़ हो गया। कौन कौन इससे पहले जानता है इसके बारे में, हाथ उठाओ थोड़ा। पीपल का पेड़ बस इतना ही जानते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उतना ही जानते हो। राधा कृष्ण का भी पूजा होता है, बौरावस्तु का सामर्थ्य तो पड़ी पूजा, हाँ बौरावस्तु को छो करके राधा कृष्ण का करते हैं। ठीक है, इनका बर और इसके बट और इसके साथ शादी भी कराया जाता है। हम लोगों का उड़ीसा में एक कल्चर है, जिनका शादी उदी हो नहीं पाता है, शादी का कोई समस्या रहता है तो भी करते हैं। तो चलिए, वो दैट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी का पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। मेरे तरफ घूम जाए, नहीं पीछे नहीं आना, इधर रहना। तो ये बट का पीपल का वृक्ष, आज है शनि अमावस्या, शनिवार। तो जिसका भी किसी भी प्रकार का ग्रह जनित समस्या है, स्पेशली बेस्ड ऑन शनि, बाकी नौका भी चलेगा, लेकिन अगर आपका शनि का महादशा चल रहा है, साढ़े साती चल रहा है, ढैया चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, सूक्ष्म दशा चल रहा है, प्राण दशा चल रहा है, कुछ भी दशा चल रहा है, सबका चलता है, ऐसा कोई नहीं बचा शनि बाबा से। नौ ग्रह से सात ग्रह का तो हर दिन हमें इफेक्ट होना ही होता है। तो क्या करना चाहिए अगर कोई ज़्यादा शनि पीड़ित है? कैसे पता चलेगा शनि पीड़ित हैं व्यक्ति का? तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर किसी का साढ़े सात या ढैया चल रहा है तो सबसे पहले देखना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और शनि बाबा का एक ही काम है, मतलब स्पेशली इस कंडीशन मैंने ढैया साढ़े साती में, क्योंकि वो चंद्र राशि पे आ जाते हैं तो सेवेंथ हाउस अफेक्टेड होने का चांसेस रहता है। सबका होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, शनि बाबा का हिसाब है, उनका खाता अलग है। शनि बाबा बोलता है इसको फैमिली में थोड़ा हिला के देखो, आपको तोड़ते नहीं विच्छेद बोलते बहुत सारे, शनि बाबा विच्छेदात्मक प्लानेट है, पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। नहीं 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 नहीं, गलत। शनि बाबा हिला के देखते हैं कि तुम पति पत्नी का जोड़ी कैसा है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि नहीं, और हिला के बताते हैं कि स्ट्रांग बॉन्ड हो जाओ, आपस में प्यार बढ़ाओ, वरना हम हैं। तो शनि बाबा ससुर है लड़कियों, क्या भाई देंगे दो डंडा। तो तीसरा ये बताते हैं कि भाई देखो, प्रेम है ना, सबको प्रेम दो, और अपने पत्नी को या अपने पत्नी है तो अपने पति को आप प्रेम से और आदर के साथ आप कैसे क्लोज कनेक्शन में आ सकते हो। और शनि बाबा 30 साल में एक बार टेस्ट ले ही लेते हैं, 30 क्या 15 साल में एक टेस्ट होता है। सोचो किसी का मकर राशि है, ठीक है, और पत्नी का मेष राशि है, कैसा होगा? पहला साढ़े सात साल तो पति का टेस्ट ले लेंगे क्या है, उसके साढ़े सात बाद पत्नी का भी टेस्ट ले लेंगे, फटाक से इसका खत्म होता होगा, उसका स्टार्ट होता होगा। तो इधर साढ़े सात उधर साढ़े सात, 15 साल का टेस्ट है। 15 साल में पास हो गया तो फिर हाँ पति पत्नी जोड़ी, ओके चलो मुक्ति का मार्ग में चलो। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये पहला सिम्टम क्या है कि अगर किसी का फैमिली डिस्टर्बेंस, डिवोर्स तक केस जा रहा है, कि मतलब टेंशन है लाइफ में, बिना फालतू का चिंता है, तो समझना कि ये कहीं ना कहीं से शनि या मंगल के द्वारा कुछ ना कुछ आशीर्वाद पाया है। एक दूसरा शनि बाबा का काम क्या है, रोग देखना, बिना फालतू का रोग आके खड़ा हो गया, अनावश्यक रोग हो गया, मैक्सिमम बात कमर से नीचे का दर्द, कमर पेट, कमर पेन इत्यादि इत्यादि पैर में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जब भी आप शनि दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ढैया साढ़े साथी कुछ भी आ जाए, पहला काम क्या करोगे, हर दिन नहाने के समय पहले पैर को रगड़ के नहाना, ब्रश ले लो, बढ़िया से पत्थर ले लो, रगड़ के नहाओ, इससे आप सेव हो जाओगे। ठीक है, पैर से ही आते हैं, बोलते हैं ना, पहला पाद पैर का, फिर छाती में, फिर सर में, ऐसा बोलते हैं। तो ढैया का पहला पाद सर में आके बैठ जाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, अननेसेसरी बिलीव, फिर धोखाबाजी, फिर छाती में आते हैं, ठीक है, फिर पैर में आते हैं। कोई बोलता है लोहो पाद, ताम्र पाद, सोने का पाद, ऐसा अपने अपने भाव मत रखते हैं। पहला वाला क्या बोला, पैर रगड़ के नो, पहला फैमिली डिस्टर्बेंस, सेकंड रोग, थर्ड चांसेस ऋण बढ़ा दे सकते, मतलब जो जिंदगी में कभी ऋण लिया नहीं, शनि आ गया तो चांसेस लेंगे, क्यों उसको और स्ट्रगल बढ़ाना चाहिए। ये नहीं समझना कि मेरे को तो ऋण में डाल गया, मैं तो डूब गया, नहीं। शनि बाबा कहते हैं ऋण ऋण ले, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, नहीं, ऋणम कृत्वा फाइट करो लाइफ के साथ और लड़ो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टेंशन डालते हैं, लोड डालते हैं कि तुम और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो रोग रिपो ऋण का चांसेस है। फोर्थ पार्ट, नाम दुर्नाम बदनाम, ठीक है, मान अपमान होने का चांसेस देते हैं, क्यों देते हैं, बोला अब तुम राइट ट्रेनिंग में आया है, क्या सिद्धो सिद्धो समभूत्व बड़ा बोलता था, चाहे मान मिले अपमान मिले बड़ा बोलता था, अब दिखा समान कैसे होते हैं, उसमें टेंस नहीं होना, हाँ बाबा थोड़ा बता दो कैसे करना है, सीख लो। धैर्य बताते हैं, अधैर्य कर देंगे, अधैर्य कर देंगे तो धैर्य होना,
ठीक है। और शनि बाबा क्या क्या सिखाते हैं आपको, बोलते हैं विकल भाव। विकल भाव समझते हो, विकल ही जीव, मेरा तो सब जला जाएगा, ऐसा जाओ कुछ नहीं होगा भाई, तेरे को विकल भाव इसलिए दे रहा हूँ कि फाइट अगेंस्ट द एनर्जी। इस प्रकार के कई और भी हैं, मैं ये बेसिक बता दूँ। तो आप लोगों सबके साथ किसी ना किसी का समस्या रहता ही रहता है, चाहे मानो चाहे मत मानो, ठीक है। किसी का तो साढ़े साथ ही आ भी जाता है, पता नहीं चलता, अरे पार हो गया क्या, लेकिन वो दंड भोग रहा है, ऐसा नहीं कि दंड नहीं भोग रहा है, दंड भोग रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं है, होश नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ, एस्ट्रोलॉजिकल गुरुकुल फैक्ट में क्या बोलते हैं, इस पेड़ में वो दम है कि जब भी आपका शनि का दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ढैया साढ़े साथी आता है, बॉडी में सैटर्निक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी हाई हो जाती है, तो आप धूप में नहीं जा सकते हो, धूप सहन नहीं कर सकते हो, ठंडा में रहना चाहोगे, छांव में रहना चाहोगे, आलसी होना चाहोगे, सोने के लिए चाहोगे, हाथ पैर अकड़ेगा, मुड़ेगा, बात का रोग बढ़ सकता है, और शनि बाबा अगर बहुत क्रूर हुए तो आपका पेट में गैस, खट्टी डकार, जलन, आप उसमें तुम हमारे सर के पास एक्यूप्रेशर भी ले लो, चाहे आयुर्वेद भी ले लो, उसका कोई इलाज नहीं है, निकलता रहेगा, पूरा पानी निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या करना चाहिए, ये इनका शरण में जाना चाहिए। इस पेड़ में वो दम है कि आपका सैटर्निक एनर्जी हो, मतलब शनिश्चर का शक्ति हो, चाहे नौ ग्रह किसी का भी हो, आप इसमें जब परिक्रमा करते हो तो आपका ऊर्जा को बैलेंस कर देता है। उदाहरण, अगर कोई गाय का परिक्रमा किया हाथ उठाओ, क्या होता है गाय का परिक्रमा करने से, ऊर्जा बढ़ता है, टेस्ट क्या है? हाँ, वो एक टेस्ट मशीन है जिसमें गाय का अगर परिक्रमा करते हो तो आपका आभा मंडल कितना होगा, 170 से 80 फीट तक बड़ा हो जाता है आभा मंडल, ओरा। तो ऐसे ही इस वृक्ष का अगर परिक्रमा करते हो तो आपका आभा मंडल बहुत बड़ा होता है। दूसरा, आपके अंदर का जो ब्लैक एनर्जी है, डस्ट एनर्जी है, ये पेड़ लेके आपका लाइफ में बैलेंस बना देता है, एनर्जी ना ज़्यादा करता है ना घटाता है। आपके शरीर से अगर बहुत है ये निकाल लेगा, कम है तो सप्लाई भी दे देगा। कितने परिक्रमा, देखो परिक्रमा तो मेनली कोई तीन करता है, कोई सात करता है, लेकिन आज स्पेशल डे है शनि बाबा का, तो मैं कहूँगा 108 होना चाहिए। चलो अभी गाड़ी भी है, उधर जाना भी है, तो आप लोग कम से कम 21 परिक्रमा कर सकते हो। मंत्र इसका क्या है, देखो एक तो शनि बाबा का मंत्र से कर सकते हो, ठीक है, कोई सम ओम सम बला कर सकते हो, ओम प्राम बला कर सकते हो, और या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम, ऐसा एक लंबा मंत्र है, उसको कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं आता है तो एक ही मंत्र ले लो, ओम नमो भगवते, जोर से बोलो वासुदेवाय। मरियल जैसे क्यों बोल रहे हो, बस मुंह खोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के ऊपर चलना, ठीक है, उस मंत्र को करना। इस मंत्र के साथ 108, जिसके कुंडली में पितृदोष है उसके लिए रामबाण इलाज है 108, ठीक है, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये जो बता रहा हूँ ये करने का समय, कोशिश ये होना चाहिए कि कोई नहीं देखे। एक तेल का दिया लाओगे और बाबा के साथ पश्चिम दिशा में, जैसे पेड़ है उधर पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में जलाना है, पूरब उत्तर दक्षिण में नहीं, पश्चिम दिशा में जलाना है और बोलना बाबा संभाल लो, ठीक है। फिर देखो कितना बिगड़ा हुआ मैटर नहीं सॉल्व हो जाता है तो बोलना, यहाँ अंधविश्वास का बात नहीं है, पूजा और विश्वास का बात नहीं है, साइंस है, फुल साइंस। उस पेड़ का आभा मंडल, ओबा और रेडिएशन, आपका बॉडी इतना लिंग मिक्स है कि क्या बताएं। और देखना जिसके घर में पितृदोष शुरू होगा उसके घर में ऐसा एक पेड़ उठेगा, किस दिशा में उठेगा उसी हिसाब में, वास्तु के हिसाब में हम लोग निर्णय करते हैं। कोई कोई हमें बुलाता है, सर आइए हमारा थोड़ा वास्तु देख लीजिए, हमारा घर का कंडीशन देख लीजिए, तो हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं, यही सब देखते हैं, कहीं पीपल उठाए क्या, कहीं बर उठाए क्या, कहीं पर ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया है, ये अभी सब्जेक्ट नहीं है। तो जिस दिशा में उठाए फिर कुंडली में सेट करते हैं कि किस दिशा पे ये पेड़ है, और जिस दिशा में है फिर उसका क्या निदान होना चाहिए, सबका ये सेम निदान नहीं होता, अलग अलग, किस घर में पितृदोष लगा है, किसी का एक में लगा, किसी का पाँच में, किसी का नौ में, किसी का आठ में, किसी का बारह में, तो जहाँ जहाँ पितृदोष लगा है उसका अलग अलग रेमेडिकल है, लेकिन यहाँ का परिक्रमा उन सब जो भयंकर ऊर्जा है आपको बचा। तो चलिए रात में कर सकते, नहीं कर सकते, सुबह करना चाहिए, चलिए शुरू हो जाइए, शनिवार करें, हाँ शनिवार, चलो घूमो 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 घूमो, क्लॉकवाइज घूमना, जो लोग नहाए हो वो लोग घूमो, जो लोग नहीं नहाए है कुड़िया पार्टी पीछे रहो। मंत्र स्टार्ट करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ हाँ, फटाफट 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 चलना है, उधर प्रोग्राम भी है।
चलो बच्चे लोग, चलो चलो, चलो। कहा मंत्र सुनाई नहीं दे रहा है बाप, पेड़ को कहां से सुनाई देगा, तुम्हें हमें नहीं सुनाई दे रहा है। ध्यान पूर्वक भक्ति के साथ मन में पॉजिटिव भावना रखना कि प्रभु मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, मुझे भक्ति मिले, मुक्ति मिले, शक्ति मिले, हमारा काम सब अच्छा हो। बाकी जो पीछे खड़े हो वो लोग भी वहां से खड़ा होके कर सकते हो। ऐसे करना है ताकि पेड़ भी आए और ये भी। नमस्कार मुद्रा हाथ, और अपने अंदर जो भी इच्छाएं हैं उनको मन में सोचते हुए, जो भी पॉजिटिव कामना और भावना है उनको सोचते हुए फील करना अपने ऊर्जाओं को। जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो हो क्या रहा है आपके साथ, और परिक्रमा करने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक फील होगा एक ऊर्जा, एक एनर्जी। मैं बोल रहा हूं बोल के नहीं, आप अनुभव कर लोगे। सात परिक्रमा के बाद बाद आपको अनुभव होगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, शक्ति बढ़ रहा है, घट रहा है, आपको एक मैग्नेटिक एनर्जी फील हो रहा है क्या। जोर से ताकत लगा के पूरा रिकॉर्डिंग है वो। हाँ हो, पहुँच कर, पहुँच कर, पहुँच।